चलो बच्चों, कैसे आप लोग? देखो, हमने पार्ट वन में क्या है पूरा क्राइटेरिया फॉर बीइंग लिविंग बताया था, डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग। अब पार्ट टू में हम आ रहे हैं, वही चीज क्या है, द लिविंग वर्ल्ड के पार्ट टू में हम आ गए। अब यहाँ पर ये क्या है, आपको पता है पहले से, नीट 2020 फाइनल टच एनसीईआरटी बायोलॉजी, क्लियर। यहां पर हमने आपको बताया था एनसीईआरटी का लाइन बताएंगे, किस लाइन से कौन सा सवाल पूछा, और आने वाले इंटरेस्ट में आपके एनसीईआरटी से कौन से लाइन डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, वो सारी बातें बताएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हम पार्ट टू। ओके, बी रेडी, तैयार हो जाओ जल्दी से बच्चों। तो पार्ट टू में आइए, तो चलो हम यहां से स्टार्ट, पेज नंबर 6 एनसीईआरटी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो यहां पर क्या लिखा है, डायवर्सिटी इन ए लिविंग वर्ल्ड। अब डायवर्सिटी हम बात कर रहे हैं, तो चलो देखते चलते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। हमने बताया था रेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ब्लू नॉर्मल इंपॉर्टेंट होगा, क्लियर। तो चलिए देखते हैं हम, तो यहां देखो क्या लिखा है, इफ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बी इट पोटेड प्लांट्स, इंसेक्ट्स, क्या है, बर्ड्स, योर पेट्स और अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो कई सारे, मतलब डायवर्सिटी अगर बात करें तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया, उनमें कई सारे वेराइटीज आ जाएंगे, वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। चलिए आगे देखिए क्या है, यहां पर हम बात करें तो कोई ये अभी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट आया वो ये आ गया। चलो बच्चों देखो यहां पर, द नंबर ऑफ स्पीशीज डेट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड, नोन पे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, वो कितना है, 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज, और ये क्या रिफर कर रहा है, बायोडायवर्सिटी, द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, क्लियर। तो डायरेक्ट आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि नोन स्पीशीज कितना है, 1.7 से 1.8 मिलियन। अब इनमें से भी 1.2 जो है वो एनिमल है, रिमेनिंग 0.5 से पॉइंट, तो क्या लिख दें हम, 1.2 मिलियन एनिमल्स, क्लियर, और 0.5 से 0.6 जो है वो क्या है, प्लांट्स, क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। और उसमें भी बात करें तो क्या है, आप याद रखिएगा, आर्थ्रोपोडा जो है वो क्या है, इसको हम लार्जेस्ट फाइलम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट फाइलम, क्लियर। अब यहां देखो, यहां लिख दें मोलस्का, ध्यान रखिएगा ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, क्या है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट, क्लियर। अब मोस्ट डाइवर्स प्लांट में बात करें तो मोनोकॉट, याद रखिएगा, मोस्ट डाइवर्स, क्लियर, तो ये ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट हम बात करें क्या है, देखो यहां पर, अब यहां से कोई भी बात इतनी इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम, क्या है, हेंस देयर इज अ नीडेड टू स्टैंडर्डाइज, कुछ भी नहीं। अब देखो हम आ गए नोमेनक्लेचर पे, क्या है नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर कहने का मतलब नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्लियर। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल ओवर द वर्ल्ड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नेमिंग, ठीक। अब नोमेनक्लेचर की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि क्या है, रीजनल लैंग्वेज होता है, रीजनल नेम होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन हमें वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सली एक पर्टिकुलर नाम कर लेना है जो हर जगह एक ही नाम रहे, जिसकी वजह कर स्टडी इजी हो जाती है, ठीक है। आइए तो नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है, ऑब्वियसली नोमेनक्लेचर और नेमिंग नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू, ठीक। अब देखो नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, उसको हम बोलेंगे आइडेंटिफिकेशन, क्लियर, नेमिंग हो गया, उसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं क्या, नेमिंग के लिए, ठीक, क्लियर, आ जाओ। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी द नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड द प्रोसीड्योर टू असाइन अ साइंटिफिक नेम टू ईच नोन ऑर्गेनिज्म, दिस इज एक्सेप्टेबल टू द बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, फॉर प्लांट साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया विच आर प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल। अब ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, ध्यान रखिएगा, क्या है,
इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, तो आपके इंटरेस्ट में ICBN स्टैंड फॉर पूछा जा चुका है, इंटरनेशनल कोड फॉर बायोलॉजी बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। आइए नेक्स्ट हम बात करें एनिमल के लिए क्या होगा, तो क्या है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। क्लियर, तो ये ICZN इंडिकेट्स फॉर या एब्रीविएट फॉर्म क्या होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हम बात करें दी साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज द ओनली वन नेम, मतलब यूनिवर्सल डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव द सेम नेम। ठीक है, दे ऑल्सो इंश्योर दैट सच अ नेम हैज नॉट बीन यूज फॉर एनी अदर नोन ऑर्गेनिज्म, मतलब एक ऑर्गेनिज्म के लिए एक ही नाम। आइए बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल प्रिंसिपल टू प्रोवाइड द साइंटिफिक नेम टू नो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इच नेम हैज टू कंपोनेंट। अब यहां से बात इंपॉर्टेंट हो गया, क्या हो गया, दो कंपोनेंट होंगे क्या, तो ये ध्यान रखिएगा। फर्स्ट क्या हो गया, जेनेरिक नेम, और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट, मतलब दो वर्ड होंगे, पहले वर्ड जेनेरिक होंगे, दूसरे क्या होंगे स्पेसिफिक एपिथेट। जेनेरिक नेम रिप्रेजेंट जीनस, स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंट स्पीशीज। ठीक है, दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग नेम विथ टू कंपोनेंट जिसको हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, और ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया, गिवन बाय, बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा, कार्लस लिनियस, इंपॉर्टेंट। ठीक, प्रैक्टिस क्लियर, यहां से इंपॉर्टेंट, तो सवाल पूछेगा जो बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर है जिसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोल रहे हैं, उसमें दो वर्ड जेनरिक और स्पेसिफिक एपिथेट किसने दिया, कार्लस लिनियस ने दिया। क्लियर है, यहां ये बात इंपॉर्टेंट यहां पर हो गया। अब आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम, आ जाओ देखो साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, ये आपके नीट 2019 में पूछा गया है, रिटन एज मैंजीफेरा इंडिका, क्या मैंजीफेरा इंडिका मैंगो का। ठीक है, लेट अस सीन हाउ इट इज अ बायोलॉजिकल नेम, क्या है बाइनोमियल नेम इन दिस नेम। देखो मैंजीफेरा इंडिकेट्स जीनस, लेकिन इसको बोलेंगे जेनेरिक नेम, और इंडिका पार्टिकुलर स्पीशीज, मतलब स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन नाम स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, और स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक, अब देखो जो लिखा है ये ध्यान रखिएगा, जो और कैसे नाम बोलते हैं मैंजीफेरा इंडिका लिनी डॉट, तो ये क्या है, ये तो जेनेरिक नेम हो गया स्पेसिफिक एपिथेट, और ये जो नाम हो गया एब्रीविएट नेम ऑफ साइंटिस्ट दैट हैज बीन गिवन दिस नेम। क्लियर, आइए अब देखो क्या है अदर, क्या क्या रूल है यहां पर हम देख लें, तो देखो क्या है अदर यूनिवर्सल रूल ऑफ द नोमेनक्लेचर एज फॉलो। पहला क्या है, बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन इटैलिक, सॉरी लैटिन, याद रखिएगा। अब रिटन किस में होता है, लैटिनाइज, अगर लैटिन नहीं है तो लैटिनाइज आर इटैलिक फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, दे आर लैटिनाइज्ड, ठीक है, और डेराइव फ्रॉम लैटिन। ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑरिजिन, लैटिन वर्ड डेड वर्ड होता है जिसका मतलब हर जगह एक ही जैसा। आइए नेक्स्ट हम बात करें, क्या है द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस, बताया था, सेकंड स्पेसिफिक एपिथेट, दैट मींस किसको रिप्रेजेंट करेगा स्पीशीज। क्लियर, आ जाओ बोथ वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन लिखेंगे तो सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, क्या है सेपरेटली अंडरलाइन, और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट्स देयर लैटिन ऑरिजिन। क्लियर, नेक्स्ट देखो क्या है, द फर्स्ट वर्ड डिनोट्स द जीनस स्टार्ट विथ, इंपॉर्टेंट बात क्या, स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, और जो वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट जो है वो क्या हो जाए स्मॉल लेटर से। क्लियर, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है मैंजीफेरा और इंडिका का आई, क्लियर, ये कैपिटल से ये स्मॉल से, क्लियर है पूरा। चलो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज की तरफ, बच्चों क्लियर है बताते चलोगे, आ जाओ ठीक। चलो नेम ऑफ द ऑथर प्रेजेंट अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट, नीट 2019 में पूछा, देखो क्या दे रखा है यहां से, मैंजीफेरा इंडिका लिनी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया,
तो आपसे ऑप्शन में यही देखा दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली रिप्रेजेंट द बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर ऑफ मैंगो, तो मैंजीफेरा इंडिका लीनी, लीनी क्या इंडिकेट करेगा, ऐसा सवाल पूछ सकता है। तो एवरी वीट फॉर्म ऑफ साइंटिस्ट नेम ठीक दैट हैज बीन गिवन दैट बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, आइए इट इंडिकेट्स द दिस स्पीशीज ठीक है वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाई लिनियस, तो ऐसे भी सवाल आपसे पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट, सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इट इज नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल, इसको हम बोलेंगे क्लासिफिकेशन। अब देखो क्लासिफिकेशन से क्या मतलब है, देखिए तो यहां पर जो होता है हम ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज बात करते हैं, तो ध्यान रखिएगा क्लासिफिकेशन इज वन ऑफ द प्रोसेस बाय विच, कोई मतलब नहीं है। आइए नेक्स्ट हम बात करें, इधर से चलते चले देखो कैट डॉग वही सब दे रखा है कि कौन कहां पे आएंगे, ये सब कोई मतलब नहीं है। आइए हाँ अब यहां से देखो एक चीज आ गया, क्या है यहां ये इंपॉर्टेंट, द साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरी टैक्सा, प्लूरल टैक्सा और सिंगल टैक्सोन, क्या बोलेंगे टैक्सोन, याद रखिएगा टैक्सोन, क्लियर। तो यहां से पूछ सकता है जैसे देखो वीट इज ऑल्सो टैक्सोन, एनिमल मैमल्स डॉग आर ऑल टैक्सोन, क्लियर। तो इसका क्या होगा टैक्सोन मतलब यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, क्या याद रखिएगा टैक्सोन यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, प्लूरल टैक्सा। आइए हेंस बेस्ड ऑन, अब देखिए बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड, ये बात इंपॉर्टेंट हो गया, बेस्ड ऑन कैटेगरीज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा, और दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन को हम टैक्सोनोमी बोलते हैं। अब देखिए यहां पर एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलोंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, डेवलपमेंट, ये भी बात इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट ठीक है, द प्रोसेस इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर एसेंशियल फॉर्म ऑफ द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनोमी, आपसे अब सवाल पूछेगा व्हाट आर द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनोमी, तो बोलिएगा क्या है क्या है, हाँ इंटरनल एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, फिर क्या सेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये सारे इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, और करेक्ट करके सवाल पूछा जा सकता है। चलो हम नेक्स्ट की तरफ बात करें, अब देखो यहां थोड़ा सा हम बात कर लें टैक्सो, एक मिनट फादर ऑफ टैक्सोनोमी, ये याद रखिएगा कार्लस लिनियस ठीक है, कार्लस लिनियस क्या है फादर ऑफ टैक्सोनोमी, टर्म एपीडी कैंडोल ने दिया। चलो नेक्स्ट हम आगे बात करें ठीक है, हेंस द कैरेक्टराइजेशन आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, अब ये बात इंपॉर्टेंट हो गया, क्या है टैक्सोनोमी में क्या क्या आएगा, क्या है कैरेक्टराइजेशन आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर बेसिस बेसिक टू द टैक्सोनोमी, टैक्सोनोमी में क्या क्या आएगा कैरेक्टराइजेशन आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए टैक्सोनोमी इज नॉट समथिंग न्यू, कुछ नया नहीं है, ह्यूमन बीइंग हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जानने की ख्वाहिश रखते थे पर्टिकुलरली विद द रेफरेंस टू देयर ओन यूज, कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम, देखो ह्यूमन बीइंग वेयर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर डाइवर्सिटीज बट ऑल्सो देयर रिलेशंस, अब आ गया देखो रिलेशन अमंग देम डाइवर्सिटी ठीक है, अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर डाइवर्सिटी बट ऑल्सो रिलेशन, इसको हम क्या बोलेंगे सिस्टमेटिक, तो दैट मीन्स क्या हो गया सिस्टमैटिक्स इज इक्वल टू टैक्सोनोमी प्लस फाइलोजेनी, फाइलोजेनी का मतलब इवोल्यूशनरी सीक्वेंस, क्या आप यहां लिख दें
फाइलोजेनी मतलब इवोल्यूशनरी सीक्वेंस मतलब रिलेशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट। आगे देखो, द वर्ड सिस्टमेटिक्स इज डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन, ये भी सवाल आपसे पूछा हुआ है, लैटिन वर्ड सिस्टेमा, सिस्टेमा विच मीन्स सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म अरेंज इन अ सिस्टमेटिक फॉर्म, मतलब एक दूसरे से रिलेट करके कौन किससे ज्यादा सिमिलर है, कौन किससे ज्यादा डिसिमिलर है, इस बेसिस पे। अब देखो, लीनियस यूज्ड, हाँ ये इंपॉर्टेंट, सिस्टेमा नेचुराई, इनके किताब का नाम है, टाइटल पब्लिश्ड, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब सवाल ये हो गया, सिस्टेमा नेचुराई, देखो, सिस्टेमा नेचुराई, ठीक है, बुक ऑफ लीनियस, कार्लस लीनियस के बुक का नाम है, क्लियर। आ जाओ नेक्स्ट हम बात करें, क्लियर है यहां तक, आइए अब देखो यहां पर क्या है, इंगेज्ड विथ द इन आइडेंटिफिकेशन नॉमिनक्लेचर क्लासिफिकेशन, सिस्टमेटिक्स टेक्स इन अकाउंट, अभी बताया ना, तो देखो अकाउंट्स रिलेशन इवोल्यूशनरी, इसी को आपने क्या बोल दिया, फाइलोजेनी, बच्चों ध्यान रखना फाइलोजेनी, तो सिस्टमेटिक मतलब टैक्सोनॉमी, आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन नॉमिनक्लेचर, रिलेशनशिप मतलब फाइलोजेनी, क्लियर यहां तक। चलो आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट बात करें तो देखिए टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, अब देखो बच्चों टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज ये रिलेटेड टू कार्लस लीनियस है, क्या बोलेंगे, ये भी कार्लस लीनियस, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर बात करें, क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स द हायरार्की, मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्डर डिसेंडिंग ऑफ द स्टेप इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ पार्टिकुलर रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी, सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, याद रखिएगा, इन ऑल कैटेगरीज टूगेदर कॉन्स्टिट्यूट टैक्सोनॉमिक हायरार्की, आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। अब देखो आ गया यहां से इंपॉर्टेंट, ईच कैटेगरी रिफर टू अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, इन फैक्ट रिप्रेजेंट रैंक भी, और कॉमन टर्म में हम टैक्सोन और प्लूरल आपको बताया था क्या, टैक्सा, क्लियर है। आगे चलो बात करें, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल, इंसेक्ट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर लाइक, क्या क्या, तो इंसेक्ट आ गया, क्लियर। अब देखो क्या होगा, आपने पढ़ा होगा क्या है, थ्री पेयर्स ऑफ ज्वाइंट लेग्स, इट मीन्स इंसेक्ट आर रिकॉग्नाइजेबल कॉन्क्रीट कॉन्सेंट्रेट ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी क्लासिफाइड एंड दस वर गिव अ रैंक और कैटेगरी, कैन यू नेम अदर एंड सो एंड, दे रखा है, ठीक है, बस आप सिंपल याद रखो, डिनोट्स रैंक और इच रैंक और टैक्सोन इनफैक्ट रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, इंपॉर्टेंट। आ जाओ नेक्स्ट हम बात करें तो क्या दे रखा है, टैक्सोनॉमिकल स्टडी ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिज्म हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ अ कॉमन कैटेगरी सच एज किंगडम डिवीजन क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीशीज, तो देखो आगे क्या है, टैक्सोनॉमिकल, क्लियर है बच्चों, देखो टैक्सोनॉमिकल क्या, स्टडीज ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिज्म लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ अ कॉमन क्लास, क्या है, किंगडम फाइलम और डिवीजन क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीशीज ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दिस, ठीक है, प्लांट एंड एनिमल्स हैव ए स्पीशीज एंड लोएस्ट कहते हैं स्पीशीज, ये बात इंपॉर्टेंट हो गया, ध्यान रखिएगा, क्या हो गया, लोएस्ट कैटेगरीज कौन हो गया, स्पीशीज, और हाइएस्ट कौन हो गया, किंगडम, किंगडम क्या हो गया, हाइएस्ट, क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट आगे हम पढ़ते हैं, यहां तक लीनियस हायरार्की भी बोलते हैं, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी भी बोलते हैं, मतलब अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट टैक्सा इन डिसेंडिंग ऑर्डर, क्लियर, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे बड़ा ऊपर होगा, सबसे छोटा नीचे, किंगडम सबसे ऊपर, स्पीशीज सबसे नीचे। चलो नेक्स्ट हम बात करें तो देखो, बेसिक रिक्वायरमेंट इज नोन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल, कोई मतलब नहीं है, हाँ यहां से देखो
क्या है? हेल्प इन आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल ऑफ अदर. दैट मीन्स क्लासिफिकेशन, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो क्लासिफिकेशन क्या बात करोगे आप? ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज. क्लियर? चलो आगे बात करें नेक्स्ट. अब देखो यहां पर अलग अलग हम बात करेंगे तो स्पीशीज आ गया. तो देखो स्पीशीज, आप देखो जो जो इंपॉर्टेंट है यहां पर वही बात करेंगे. तो देखो क्या दे रखा है, क्या है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद द फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एज स्पीशीज. स्मॉलेस्ट को बोलेंगे, आइए अदर से होगा रिलेटेड ऑन द बेसिस, कोई मतलब नहीं. हाँ, अब देखो क्या है इसमें, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस, डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस. अब देख लो क्या है, आगे देखो क्या दे रखा है. बात करें हम तो क्या है, जैसे कंसिडर मेंजीफेरा इंडिका सोलेनम ट्यूबेरोजम एंड पैंथेरा लियो. ठीक है, क्लियर है? अब देखो ऑल दीज क्या बात करेंगे, मेंजीफेरा इंडिका सोलेनम ट्यूबेरोजम एंड पैंथेरा लियो लाइन हो गया. ऑल दी तो कौन, नाम याद रखिएगा तो वर्ड मेंजीफेरा. ठीक है, क्या है? मेंजीफेरा सोलेनम और पैंथेरा आर जेनरा. तो आगे क्रम जेनरा एंड अदर हायर क्या है लेवल ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, मतलब स्पीशीज से आगे. क्लियर? ईच देखो जीनस मे हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज. वो आपस में मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, जैसे ह्यूमन हो गया, सब एक जैसे दिखते हैं, मतलब कहने का नाक कान मुंह जो भी ऑर्गेन है वो तो रहेगा. ठीक है, हाँ उनमें कलर में, टेक्सचर में, हेयर पैटर्न में अदर डिफरेंसेज आते हैं वो जेनेटिक कॉम्बिनेशन की वजह कर. तो ये कह रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा. जैसे एग्जाम्पल हम बात करें, पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टिग्रीज. हाँ, अब देखो पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रीज. क्लियर आ रहा है? अब देखो सोलेनम इंक्लूड्स लाइक क्या है, निग्रम और मेलन जेना. ये अलग अलग स्पीशीज हो गया, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रीज. ठीक है, आ रहा है समझ में? पैंथेरा पार्डस, ये अलग अलग. तो लियो टिग्रिस पार्डस अलग अलग स्पीशीज हो गए पैंथेरा के. ठीक, इसी तरह सोलेनम के अलग अलग हो गए कौन, ट्यूबेरोसम हो गया, निग्रम हो गया और मेलन जेना, ये सब अलग स्पीशीज हो गए. क्लियर? ह्यूमन बींग बिलोंग टू द स्पीशीज सेपियन. ह्यूमन किससे बिलोंग कर रहा है? सेपियन, ये चीज. तो ये अब जीनस इसका क्या हो गया, होमो हो गया. ठीक है, तो पूरा होमो सेपियन क्या हो जाएगा, साइंटिफिक नेम हो जाएगा. क्लियर? साइंटिफिक नेम ह्यूमन का. क्लियर? चलो, तो स्पीशीज का मतलब स्मॉलेस्ट टैक्सोन. क्या बोलिएगा आप? स्मॉलेस्ट टैक्सोन. क्लियर? तो चलो अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं. तो देखो अब आ गया जीनस, स्पीशीज से बड़ा जीनस. तो क्या है, जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विच हैज मोर कैरेक्टर. ये सवाल आपके एंट्रेंस में पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा, मोर कैरेक्टर. ठीक है, कंपैरिजन टू द स्पीशीज ऑफ अदर जेनरा. क्लियर? आगे देखिए, जैसे आप एग्जांपल दे रखा है, अब यहां पर देखो फॉर एग्जांपल क्या है, पोटैटो हो गया, टोमेटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, आर थ्री डिफरेंट स्पीशीज. क्लियर? यहां से ध्यान रखिएगा, थ्री डिफरेंट स्पीशीज बट ऑल हैव सोलेनम. क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा, सोलेनम. इसी तरह लाइन बात करें तो पैंथेरा लियो और लिपर्ड बात करें तो पैंथेरा पार्डस और टाइगर बात करें तो पैंथेरा टिग्रिस. तो यहां पर क्या है, लियो पार्डस और टिग्रिस अलग अलग स्पीशीज हो गए लेकिन पैंथेरा जीनस हो गया. क्लियर? सेवरल कॉमन फीचर, ठीक है, ऑफ द जीनस, ध्यान रखिएगा. ठीक, तो ये सारी चीज है. इसी तरह आप देखो क्या है, ये सवाल आपके एंट्रेंस में पूछा है, ध्यान रखिएगा.
तो जीनस फेलीज, ठीक है, दिस जीनस डिफर फ्रॉम अनदर जीनस फेलीज विच इंक्लूड्स कैट. क्लियर? तो कैट अलग हो गए. अब नेक्स्ट हम बात कर लें फैमिली. आइए तो देखिए फैमिली है, द नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज कॉल्ड फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विथ स्टिल लेस. अब यहां पर क्या होगा, कई सारे जीनस एक साथ आएंगे, उसको हम बोल देंगे फैमिली. क्लियर? तो इसी तरह देखो दे रखा है. अब यहां पर देखो ये इंपॉर्टेंट बात आ गया, फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीशीज. ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा. अमंग प्लांट फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर बात करें थ्री डिफरेंट जेनरा, देखो सोलेनम हो गया, पिटूनिया हो गया, दतुरा आर ऑल प्रेज्ड इन सेम फैमिली दैट इज सोलेनेसी. ठीक है, अलग अलग थे जीनस लेकिन फैमिली सोलेनेसी आ गया. इसी तरह हम एनिमल में बात करें तो जीनस क्या है, पैंथेरा है, कंप्राइजेस ऑफ लायन, टाइगर और लिपर्ड, बट पुट अलोंग विथ द जीनस फेलीज. फेलीज ऊपर आपने देखा अलग जीनस थे, पैंथेरा अलग जीनस थे, ठीक है, लेकिन इनको सेम फैमिली फेलिडी में रखा गया. क्लियर? ये चीज सिम, ये भी सवाल आपके एंट्रेंस में पूछा, इंपॉर्टेंट है. आइए नेक्स्ट हम बात करें तो देखो सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व द फीचर ऑफ द कैट डॉग यू विल फाइंड सम सिमिलरिटीज एंड सम डिफरेंसेस एज वेल दे आर दैट मीन्स. तो देखो कौन हो गया, ये भी सवाल आपके एंट्रेंस में पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा. कौन हो गया, एक तो कैट हो गए, दूसरा कौन हो गया, डॉग हो गया. ठीक है, अब इनमें कुछ सिमिलैरिटीज हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं, ठीक है, लेकिन क्या है, सेपरेट इनटू टू डिफरेंट फैमिलीज. ठीक है, फैलिडी एंड कैनिडी. क्लियर? तो ध्यान रखिएगा फैलिडी क्या होगा, ये कैट्स, ठीक है, क्लियर है ना, और कैनिडी, ठीक है, कार्नियो, डॉग्स, ठीक है, क्या दे रखा है, वी आर सेपरेट टू डिफरेंट फैमिलीज. क्या है, फैलिडी क्या कैट्स के लिए, कैनिडी किसके लिए, डॉग के लिए, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है. आइए नेक्स्ट हम बात करें तो देखो ऑर्डर है, वी हैव सीन सिमिलर. अब क्या हो गया, ग्रुप ऑफ फैमिली को एक साथ जब हम बात करेंगे तो वो ऑर्डर आ जाएगा. ठीक, तो देख लीजिए क्या दे रखा है, कैटेगरीज लाइक स्पीशीज जीनस एंड फैमिली बेस्ड ऑन नंबर, तो ठीक है, ऑफ सिमिलर कैरेक्टर ऑर्डर. जनरली ऑर्डर एंड अदर हाइयर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर. ऑर्डर बींग हाइयर कैटेगरी इज असेंबल ऑफ द फैमिली. ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट. क्या है, असेंबल ऑफ द फैमिली विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स. दिस सिमिलर कैरेक्टर क्या हो जाएगा, दिस सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू द डिफरेंट जेनरा. तो जेनरा में ज्यादा कॉमन कैरेक्टर होंगे एज कंपेयर टू द फैमिली, और उससे कम किसमें होंगे, ऑर्डर में होंगे. क्लियर? इंक्लूडिंग द फैमिली. ठीक है, अब देखो दे रखा है, ये बात इंपॉर्टेंट है, आपके एंट्रेंस में सवाल पूछा जा सकता है. द प्लांट फैमिली कॉन्वुलेसी, ठीक, अब सोलेनेसी, ठीक है, इंक्लूड्स इन द ऑर्डर, ये सवाल पूछा हुआ है, पॉलीमोनिल्स. क्लियर? मेनली बेस्ड ऑन फ्लोरल, किस पे बेस्ड है ये, फ्लोरल कैरेक्टर, फ्लावर. ठीक है, इन ऑर्डर. अब जैसे बात करें क्या है, ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड द फैमिली. अब देखो फेलेडी कैट, कैनेडी डॉग, अब इनका ऑर्डर एक ही हो गया, क्या, कार्निवोरा, मतलब फ्लेश ईटर. क्लियर है? तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट रिलेट करके. ठीक, अब नेक्स्ट देखो हम बात कर लें क्लास. दिस कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर, फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्राइमेट. क्लियर? कंप्राइजेस मंकी भी होगा, गोरिल्ला, एप, ठीक है, चिंपैंजी प्लेस्ड इन दी क्लास. ठीक है, ऑर्डर प्राइमेट हो गया, अब इन सबको मंकी, ये सब क्या है, इन अ प्ले क्लास. अब मैमेलिया, ठीक है, अलोंग विद द ऑर्डर कार्निवोरा डेट आर इंक्लूडेड इन एनिमल्स डॉग कैट. तो देखो यहां पर क्या था, देखो प्राइमेट अगर हम बात करें तो देखिए
ये प्राइमेटा है ऑर्डर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इनमें क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल, इनके फीमेल में क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ऑर्डर हो गया प्राइमेटा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, आगे देखो, जैसे ये है, अब ये एक ऑर्डर हो गया, क्या हो गया, कार्निवोरा, ठीक है, जिसमें कौन आ रहा है, टाइगर कैट, इन सब को हम किसमें रख रहे हैं, क्लास मैमेलिया में रख रहे हैं, ठीक है। अब क्यों, क्योंकि इनमें क्या है, मैमेरी ग्लैंड्स, क्लियर, टू फीड देयर यंग वन, ठीक। तो इस तरीके से तो कई सारे ऑर्डर को जब एक साथ रखते हैं दैट इज कॉल्ड क्लास, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट, हम कई सारे क्लास को जब एक साथ रखेंगे तो उसको हम बोल देंगे फाइलम, ठीक है, इन केस ऑफ एनिमल। बट कई सारे क्लास को अगर हम प्लांट क्लासिफिकेशन में देखें तो उसी को हम डिवीजन बोल देते हैं। तो आपके एंट्रेंस में सवाल पूछता है व्हाट वी यूज्ड फॉर एनिमल क्लासिफिकेशन इन प्लेस ऑफ डिवीजन, तो फाइलम, एंड व्हाट वी यूज्ड फॉर प्लांट क्लासिफिकेशन इन प्लेस ऑफ फाइलम, तो डिवीजन। आइए, फाइलम, द क्लास कंप्राइजेज एनिमल्स लाइक, जैसे फिश हो गया, ठीक है, फिशेज हो गए और एम्फीबियन हो गए, रिप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ठीक है, अलोंग विथ मैमल्स, तो ये सब क्या है, क्लास है। इन सब को कॉन्स्टिट्यूट द हायर कैटेगरीज कॉल्ड फाइलम, ध्यान रखिएगा क्या हो गया, फाइलम, क्लियर। तो कॉमन फीचर्स क्या हो गया फाइलम को, तो इसमें कॉमन फीचर क्या हो गया, क्या है, नोटोकॉर्ड और डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम इंक्लूडिंग इन फाइलम कॉर्डेट्स, किसमें रखा, कॉर्डेट्स में, क्लियर। और इन केस ऑफ प्लांट, अभी हमने बोला इन केस ऑफ प्लांट, ठीक है, क्लासेस विद फ्यू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक आर असाइन टू द हायर, क्या है, डिवीजन। इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, ठीक। तो प्लांट के लिए डिवीजन, क्लियर, और एनिमल के लिए क्या यूज कीजिएगा, फाइलम, इंपॉर्टेंट बात, क्लियर। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम बात करें, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या है, किंगडम। तो सबसे बड़ा क्या हो गया, किंगडम। तो देखो क्या है, ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू द वेरियस फाइला, फाइला प्लुरल हो गया, असाइन टू द हाइएस्ट, क्या हो गया, देखो, हाइएस्ट कैटेगरीज कॉल्ड किंगडम एनिमेलिया, ठीक है, इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल एंड किंगडम प्लांटिया ऑन द अदर हैंड, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट कंप्राइजेस द प्लांट फ्रॉम द वेरियस डिवीजन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट हम बात करें, तो देखो क्या लिखा, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी फ्रॉम द स्पीशीज टू द किंगडम, तो ये आपका स्मॉलेस्ट हो गया और ये लार्जेस्ट हो गया, क्लियर। तो नेक्स्ट देखो, ये सारी बातें दे रखा है, अब वो हम आगे फिगर देखेंगे जहां पर ये बात आपको बताई जाएगी, ठीक है। तो हायर कैटेगरीज ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशन ऑफ द टैक्सा एट द सम, चलो अब आगे हम सीधे कहां आते हैं, एक मिनट, हाँ, देखो क्या दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट, एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू द किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, गोज डिक्रीजिंग, मतलब सबसे ज्यादा कॉमन स्पीशीज में होगा, सबसे कम कॉमन किस में होगा, किंगडम में होगा, क्लियर है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलें, तो देखिए किंगडम, ठीक है, तो अब यहां से क्या क्या सवाल पूछेगा बच्चे, तो ये देखो इसके बारे में, इसको क्या बोलेंगे, लार्जेस्ट टैक्सोन, पहली बात क्या बोलिएगा, लार्जेस्ट टैक्सोन, ठीक। अब ये आ गया स्पीशीज, इसको बोलिएगा स्मॉलेस्ट टैक्सोन, क्लियर, स्मॉलेस्ट टैक्सोन। अब देखो, अब यहां पर ये है फाइलम, ठीक है, दिस इज फॉर एनिमल क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब आ गया क्या, डिवीजन, तो इन प्लेस ऑफ फाइलम दिस इज फॉर प्लांट
फिकेशन हमने इधर लिख दिया, क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। अब देखो, अब जो इंपॉर्टेंट है, अगर हम यहां से बात करें इधर की तरफ तो क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन कॉमन कैरेक्टर, क्या बोलिएगा, इंक्रीज इन कॉमन कैरेक्टर, ठीक। और दूसरा हम बात करें तो देखो नेक्स्ट क्या होगा, फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, तो कॉम्प्लेक्स से कहां जा रहे हैं, सिंपल की तरफ, क्लियर। तो इसी का उल्टा बोल दें तो ऊपर जाएंगे तो डिक्रीज इन कॉमन कैरेक्टर, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, क्लियर। अब देखो क्या अगला जो हम बनेगा वो बात करें, ठीक। तो यहां पर जो आपको देखना है वो ऐसे, क्या बोलिएगा, डिक्रीज इन कॉमन कैरेक्टर, ठीक है। और ये क्या इंडिकेट कर रहा है आपको, फाइलोजेनी इवोल्यूशनरी कॉम्प्लेक्स, दैट मीन्स सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ आप जा रहे हैं। तो सिंपल कौन हो गया स्पीशीज, कॉम्प्लेक्स कौन हो गया, बोलो, किंगडम, क्लियर है यहां पर। तो ये बात थी इंपॉर्टेंट जो आपके एंट्रेंस में सवाल पूछा जा सकता है यहां से। फिर एक तो ऑर्डर पूछ देगा, अगर आपसे पूछे लीनियस हायरार्की का तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, तो ये ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट हम बात करें, तो अब देखो कुछ एक दे रखा है टेबल जहां से आपके एंट्रेंस में सवाल पूछा जा सकता है। अब देखो कॉमन नेम मैंगो है, सॉरी मैन, और बायोलॉजिकल नेम क्या है, होमोसेपियन, और जीनस होमो, फैमिली होमिडिया। अब ये याद रखिएगा एनिमल में फैमिली जो है वो किससे, एई, ठीक है, होमिडिया आई डी ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब ऑर्डर ह्यूमन का प्राइमेटा हो गया, क्लास मैमेलिया हो गया, और फाइलम कॉर्डेटा। अब देखो इसी तरह हॉर्स फ्लाई, मस्का डोमेस्टिका पूछा जा सकता है, मस्का आपका जीनस हो गया। अब देखो आई डी ई एनिमल के केस में फैमिली, ठीक, तो ये ध्यान रखना है। हाँ आगे देखो इंसेक्टा क्लास हो गया, मैमेलिया, आर्थोपोडा इसका फाइलम। अब देखो नेक्स्ट मैंगो, तो देखो हाँ ये आपके एंट्रेंस में सवाल पूछा फैमिली के लिए, ए सी ई ए ई, ये बात इंपॉर्टेंट है आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दे रखा और नीट में सवाल पूछा हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा। आइए और एल देखो क्या हो गया, क्या हो गया, ए एल ई ऑर्डर के लिए, देखो पोइल्स ये भी हो गया, तो ये ध्यान रखना है। और फैमिली ए सी ध्यान रखिएगा, क्लियर, यहां से हमने ये देखा, बाकी साइंटिफिक नेम तो आपको याद रखना है, ठीक। तो चलो क्लास ये ध्यान रखिएगा, ठीक। आ जाओ नेक्स्ट हम बात करें, तो देखो नेक्स्ट क्या है, तो देखो टैक्सोनॉमिकल एड आ गया बच्चों, ठीक है। तो टैक्सोनॉमिकल एड क्या है, मतलब एड मतलब हेल्प होता है, ठीक है। द टैक्सोनॉमिकल स्टडी ऑफ द वेरियस स्पीशीज ऑफ द प्लांट एंड एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री हो गया, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री इंडस्ट्री इन जनरल, नोइंग द बायो रिसोर्सेज एंड देयर डाइवर्सिटी, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलो आगे हम बात करें, तो अब देखो बायोलॉजिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड अ सर्टेन प्रोसीड्योर, ये ध्यान रखिएगा, सर्टेन प्रोसीड्योर, ठीक, एंड टेक्निक्स टू स्टोर एंड प्रिजर्व क्या है, इंफॉर्मेशन एज वेल एज स्पेसिमेन, सम ऑफ दीज एक्सप्लेन अभी करेंगे हम आगे, क्लियर। तो ये क्या क्या है, देखो पहला, ठीक है, फर्स्ट हर्बेरियम। अब हर्बेरियम से आप क्या ध्यान रखिएगा, तो देखो हर्बेरियम क्या है, सीधे आप बोलिएगा स्टोर हाउस ऑफ कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पीशीज, लेकिन लिविंग नहीं डेड, ठीक है। तो आपसे पूछा हुआ है ये क्या है, ड्राइड होता है, प्रिजर्व प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट, इंपॉर्टेंट हो गया ये बात, ठीक है। अब देखिए दिस
क्या है, शीट आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सली, क्या बोलिएगा, अरेंज अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब देखो ये क्या है, जिसको हम बोलें तो क्या होगा, बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन। तो ये सवाल पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलो हम बात करें, ठीक है। अब देखिए, स्पीशीज अलोंग विद देयर डिस्क्रिप्शन ऑन द हर्बेरियम शीट, ये आपसे सवाल, बिकम्स अ स्टोर हाउस ऑफ क्या, रिपोजिटरी फॉर द फ्यूचर यूज, ठीक है। द हर्बेरियम शीट ऑल्सो कैरी अ लेबल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट, ये सवाल पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, क्या है, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, ठीक, इंग्लिश एंड लोकल, वल्नरेबल भी बोलते हैं, बॉटनिकल नेम, फैमिली, कलेक्टर नेम, ये सब रहेगा, क्लियर है, इंपॉर्टेंट है। फिर सवाल, हर्बेरिया ऑल्सो सर्व एज अ क्विक रिफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिकल स्टडीज, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड इन अ क्विक रिफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिकल स्टडी, तो कौन, हर्बेरियम, इसमें क्या होता है, ड्राइड प्रेस्ड प्रिजर्व्ड प्लांट ऑन शीट, ठीक। फिर उसके बाद बेंथम एंड हुकर बेसिस पे क्लासिफिकेशन पे बेस्ड होता है। नेक्स्ट इसमें क्या होगा, डेट प्लेस ऑफ कलेक्टर, इंग्लिश लोकल एंड बॉटनिकल नेम, फैमिली, कलेक्टर नेम, ये सारी चीजें होंगी, क्लियर। तो ये फोटो आपका हर्बेरियम का दे रखा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो देखिए, बॉटनिकल गार्डन, तो देखो दीज स्पेशलाइज्ड गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग, अब देखो कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस, प्लांट स्पीशीज इन दिस गार्डन आर ग्रोन फॉर, किस लिए, फॉर क्या है, आइडेंटिफिकेशन पर्पस एंड इच प्लांट्स आर लेबल्ड, ठीक है, इंडिकेट्स बॉटनिकल साइंटिफिक नेम एंड फैमिली, ठीक है। अब यहां से ये बात इंपॉर्टेंट आ गई, देखो क्या है, फेमस बॉटनिकल गार्डन क्या है, क्यू इंग्लैंड, इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा, ठीक है, एंड नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। तो ये तीन नाम दे रखा है, इंपॉर्टेंट है, इसमें प्लांट होते हैं और लिविंग होते हैं, और क्या है, किस चीज के लिए, आइडेंटिफिकेशन, याद रखिएगा, पर्पस के लिए, और उसमें क्या क्या होता है, बॉटनिकल नेम और साइंटिफिक नेम होगा और इट्स फैमिली नेम होगा, ये इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ गए हम कहां, म्यूजियम में, तो म्यूजियम इंपॉर्टेंट है, देखो बायोलॉजिकल क्या है, बायोलॉजिकल म्यूजियम आर जनरली सेट अप, अब सवाल कहां, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, सवाल पूछा हुआ है, जैसे कौन, कॉलेज हो गया, ठीक है, स्कूल एंड कॉलेज। अब इसमें होता क्या है, म्यूजियम कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज, तो यहां पर बॉटनिकल गार्डन में प्लांट, हर्बेरियम में डेड प्लांट, बॉटनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट, जूलॉजिकल पार्क में लिविंग एनिमल, लेकिन यहां पर बोथ प्लांट एंड एनिमल, लेकिन क्या होगा, डेड होंगे, ठीक है, और किस चीज के लिए होगा, स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस, स्पीशीज आर प्रिजर्व्ड, अब आ गया इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, क्या, स्पीशीज आर प्रिजर्व्ड इन कंटेनर और जार इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन। अब ये प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन क्या बोलेंगे, तो यहां पर क्या हो जाता है, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन फॉर्मेलिन हो जाता है, ठीक है, या मर्क्यूरिक क्लोराइड हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए बात करें हम, तो ये देखिए, प्लांट एंड एनिमल्स स्पीशीज मे ऑल्सो बी प्रिजर्व एज क्या है, ड्राई, क्या है, ड्राई स्पीशीज, ठीक है, इंपॉर्टेंट। इंसेक्ट, ये सवाल आपके एंट्रेंस में पूछा हुआ है, इंसेक्ट प्रिजर्व इन इंसेक्ट बॉक्स आफ्टर कलेक्शन, पहले क्या किया, कलेक्ट किया, किल किया और पिनिंग किया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लार्ज एनिमल्स लाइक प्लांट, बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, उनको क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट है सब, क्या है, स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड, ठीक है। म्यूजियम में और क्या होता है, ये भी सवाल पूछा है, म्यूजियम, ठीक है, क्या हो गया, ऑफ एन कलेक्शन ऑफ स्केलेटल
ऑफ एनिमल टू, ये भी होता है, स्केलेटन भी होता है, लार्ज एनिमल भी होते हैं, लेकिन स्टफ्ड फॉर्म हम प्रिजर्व करते हैं, और क्या है प्लांट एनिमल दोनों होते हैं, किस लिए स्टडी और रेफरेंस के लिए, और ये कहाँ होगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, जैसे कॉलेज और स्कूल हो गया, क्लियर। चलो नेक्स्ट हम बात करें तो जूलॉजिकल पार्क आ गया, ठीक है। दीज आर द प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट, क्लियर है। आ जाओ अब बात करें क्या है अंडर ह्यूमन, अब देखो क्या है वाइल्ड एनिमल केप्ट इन अ प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट अंडर ह्यूमन केयर, ये भी इंपॉर्टेंट है, किस लिए टू लर्न देयर फूड हैबिटेट एंड बिहेवियर, इंपॉर्टेंट। एनिमल्स All animals in the zoo provided as far as possible the condition similar to their natural, मतलब away from the natural, तो यहां पर क्या हो जाएगा XC2 conservation, plant और animal दोनों, कहां plant botanical garden में, animal zoological park में, clear है। ये कुछ figure दे रखा है, important ध्यान रखिएगा। आ जाओ नेक्स्ट हम इसका, हाँ ठीक है, अब ये किसके लिए है इकोनॉमिकल पर्पस के लिए, क्यों, क्योंकि बचपन में आप कहाँ जाते थे घूमने, कहाँ जू पार्क, ठीक है पार्क में जा कॉमनली जिसको जू बोलते थे, तो ये क्या है फॉर इकल पर्पस, तो ये ध्यान रखिएगा सवाल पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करें तो देखिए की आ गया, की इज एन अनदर टैक्सोनॉमिकल एड यूज फॉर, अब देखो क्या आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज, डायरेक्ट सवाल आपके एंट्रेंस में पूछा हुआ है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटी, की आर बेस्ड ऑन द कौन, हाँ अब की क्या है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पे बेस्ड है, ठीक है। और पेयर को हम बोलते हैं क्या, पेयर को बोलते हैं कपलेट, क्या बोलते हैं ध्यान रखिएगा कपलेट, इंपॉर्टेंट, ठीक। आ जाओ और उसमें क्या है कपलेट, एंड इट रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शन, वन इज सेलेक्टेड एक्सेप्टेड एंड अदर इज रिजेक्टेड, दिस रिजल्ट इन एक्सेप्टेंस ऑफ वन, क्या बोलेंगे एक्सेप्टेंस ऑफ वन, ठीक है, एक एक्सेप्ट होगा और अदर रिजेक्ट होगा। अब यहां से इंपॉर्टेंट देखो आपके एंट्रेंस में सवाल पूछा वो क्या है, इच स्टेटमेंट इन द की को हम क्या बोलते हैं लेड, क्या बोलते हैं लेड, और दो को मिला करके कपलेट, ठीक है। सेपरेट टैक्सोनॉमिक, ये भी सवाल आपसे पूछा हुआ है, सेपरेट टैक्सोनॉमिक की रिक्वायर्ड फॉर इच टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी सच एज फैमिली जीनस स्पीशीज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस, क्लियर। आइए ये भी याद रखिएगा कि क्या है एनालिटिकल इन नेचर, मतलब एनालिसिस बेस्ड पे ये होता है, क्लियर। अब नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो क्या है यहां पर फ्लोरा एंड फॉन, ठीक है, फ्लोरा मैनुअल्स मोनोग्राफ और क्या है कैटलॉग, क्लियर। तो देखिए क्या है यहां से क्या सवाल पूछा, अभी बात करेंगे यहां तक समझ में आ रहा है, क्लियर है बच्चों। आइए देखिए फ्लोरा मैनुअल मोनोग्राफ कैटलॉग आर सम अदर मींस, ठीक है, ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन, मतलब आप कौन सा डिस्क्रिप्शन को रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाता है फ्लोरा मैनुअल मोनोग्राफ एंड कैटलॉग। अब देखो यहां से क्या था, और ये और किस में हेल्प करता है, दैट मींस बात करें तो एक तो क्या है रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन, और क्या बोलेंगे करेक्ट हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, ठीक। तो अब देखो बच्चों यहां से जो इंपॉर्टेंट आ रहा है वो क्या है, देखो फ्लोरा कंटेंट एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट्स, फ्लोरा प्लांट से रिलेटेड है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इन अ गिवन एरिया। अब क्या है दीज प्रोवाइड द इंडेक्स ऑफ प्लांट स्पीशीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, क्लियर, ध्यान रखिएगा फ्लोरा रिलेटेड टू द प्लांट। अब हम बात करें नेक्स्ट क्या है, तो देखो क्या है हम बात करें फौना, एक मिनट मैनुअल, तो देखो मैनुअल से भी पूछा है, मैनुअल आर यूज्ड इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीशीज, ध्यान रखिएगा क्या नेम ऑफ स्पीशीज फाउंड इन
एन एरिया। क्लियर। अब ये डायरेक्ट लाइन आपसे पूछा, मोनोग्राफ क्या है? कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सोन। ठीक है, मोनोग्राफ कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सोन, यहां तक इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखिएगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो यहां तक हमने कर लिया, अब यहां से देखो हम समरी पे बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ सवाल जो है ना बच्चों समरी से भी डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां से डायरेक्ट जो देखेंगे, पूरा लाइन नहीं पढ़ेंगे हम, जो हमारे डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है वो बात करेंगे। क्लियर है? अभी तक देखो लाइन बाई लाइन हम एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, तो इसलिए समझते चलिएगा। आइए देखो यहां से जो इंपॉर्टेंट है, कोई मतलब नहीं। ठीक, आ जाओ देखो जो इंपॉर्टेंट है। हाँ, देखो अब यहां से देखो क्या दे रखा है, स्टडी। देखो, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट दी स्टडी, ठीक है, ऑफ किंगडम सॉरी काइंड्स डायवर्सिटी, बायोलॉजिस्ट हैव इवॉल्व्ड द रूल्स एंड प्रिंसिपल फॉर आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब ये किसका है, ब्रांच किसको बताता है? टैक्सोनॉमी को। ठीक है, देखो क्लियर, यहां तक कोई परेशानी नहीं। आगे देखो, नेक्स्ट जो यहां से आपको इंपॉर्टेंट मिलेगा वो क्या है, देखिए, मेनी कैटेगरीज और रैंक्स आर, ठीक है, बात करें, रिप्रेजेंट और ऑक्युपाई अ प्लेस, ठीक है, सॉरी क्या है, उसको हम टैक्सा बोलते हैं, पढ़ चुके हम। आगे देखिए नेक्स्ट जो यहां से इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है, देखो क्या है, फैसिलिटेटेड ऑर्गेनिज्म एंड नेक्स्ट क्या है, देखो, हाँ, फाइल्ड, ठीक, तो देखो, रेफरल इन द फॉर्म ऑफ हर्बेरिया, ठीक है, म्यूजियम, बॉटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, इट रिक्वायर्स द स्पेसिफिक, हाँ, तो देखो हर्बेरिया हो गया, म्यूजियम हो गया, बॉटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, क्या है, टेक्निक, स्पेशल टेक्निक फॉर कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ स्पीशीज इन हर्बेरिया म्यूजियम। अब देखो यहां पर क्या आ गया, लाइव, ठीक है, स्पेसिमेंस, ठीक है, अदर हैंड प्लांट एंड एनिमल्स आर फाउंड इन बॉटेनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल, तो लाइफ आ गया। ठीक है, आइए टैक्सोनॉमी, क्लियर, ये चीज इंपॉर्टेंट था। चलो नेक्स्ट हम बात कर लें, तो देखो ये समरी से जो इंपॉर्टेंट था वो हमने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट देखो क्या हो गया, कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं आपकी एक्सरसाइज के, वो भी हम बात कर लें। तो देखो क्या है, गिवन बिलो द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इंडिकेट्स द करेक्टली रिटन नेम। तो देखो, मैंजीफेरा, एम कैपिटल, I कैपिटल, दैट मीन्स ये नहीं होगा, मैंजीफेरा में M कैपिटल, I स्मॉल, दैट मीन्स ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, डिफाइन दैट, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ये इसको आप ऐसे साइड कर दें। ठीक, अब सेवन जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, कैन यू आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस, तो आपको पता था ना, देखो अगर हम बात करें तो क्या है, स्पीशीज, ठीक है, जीनस, ठीक, तो इस तरीके से हम बात करें, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, ये क्या हो गया, फैमिली, ऑर्डर, ठीक है, क्लास, ठीक है, स्पीशीज, किंगडम, डिवीजन, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, तो आप देख लो, स्पीशीज सही है, जीनस नहीं है, फैमिली नहीं है, ऑर्डर सही है, फाइलम सही है, किंगडम, तो ये भी सही है आपका। फिर उसके बाद हम बात करें तो जीनस ये गलत हो गया, क्लियर, स्पीशीज है, जीनस है, ऑर्डर है और फैमिली है,
ठीक है, तो ये आपका सही हो गया। तो इनमें ए करेक्ट जो है, कैन यू आइडेंटिफाई करेक्ट, तो ए और सी क्या है, करेक्टली सिक्वेंस्ड है। ठीक है बच्चों, तो चलो आगे बात करें हम। चलो तो देखो बच्चों, यहां तक हमने पूरा आपको क्या बताया, दी लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, पूरा एनसीईआरटी का लाइन हमने आपको एक्सप्लेन किया, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं क्या, बोला एनी 2020 फाइनल टच एनसीईआरटी बायोलॉजी। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है, और साथ में जब भी आप पढ़ें तो क्या करें, एनसीईआरटी अपने पास रख के पढ़ें। तो ये सब जो लाइन है ना, डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी से पूछा जाएगा। और हम आपको बता दें कि आपका नीट 2019 में 88 क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी आउट ऑफ 90 पूछा गया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीरीज हमारी, तो ये हम आपको कंटिन्यूअसली आपको लेक्चर प्रोवाइड करते रहेंगे चैप्टर वाइज, और इस तरह से देंगे। अब क्या है, ये हमने पूरा थ्योरी कंप्लीट कर लिया, इसका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये आपके हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, वहां से आप देख सकते हैं, और इसका लिंक का डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड करा देंगे, तो आप वहां से देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।